हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये एसीसी का टेबल फैन है, और इस फैन में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ना जाम है ना कुछ है, और फैन में पावर जा नहीं रहा है, और किसी कारण बस ये फैन हमारा चल नहीं रहा है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो और आपका भी फैन नहीं चल रहा है, तो आज इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये हमने बोर्ड में लगाया और ये हमारा फैन नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको कोयल चेक करना और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, इस चैनल में जो न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए इस फैन को ओपन करेंगे और खोलेंगे और देखेंगे इसका अंदर में क्या प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो को अपलोड किया हूँ, और उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो है कोयल चेक करने के बारे में, और आज भी इस वीडियो में जो दिखाऊंगा उससे रिलेटेड ही उस वीडियो में भी हमने आपको बना के दिखाया है। तो फ्रेंड, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और आपको इसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ तक तो आपने कर लिए होंगे और ओपन हो चुका है, और अभी मैं आपको कोयल चेक करने के बारे में बताएंगे और कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, और वायर चेक करने के बारे में बताएंगे और वायर से प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो भी वायर है सभी को ओपन करेंगे, जो भी यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सभी वायर को यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, और देखिए हमारे पास मात्र तीन वायर बचा है और एक एक कैपेसिटर जो लगी हुई है। तो हर पंखा में आपको तीन वायर देखने को मिलेगा, ये थ्री वायर। तो यहाँ पे कैपेसिटर वाला भी ओपन कर देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कोयल को चेक करूँगा कि हमारा कोयल में फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट है। तो चलिए यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से इस कोयल को टेस्ट करेंगे। अगर सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में आपको नहीं पता तो यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल का बहुत ही पुराना वीडियो बनी हुई है। तो चलिए यहाँ पे कोयल को टेस्ट करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से दोनों कोयल हमारा ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल, और ये सारा ठीक है। अब पंखा हमारा क्यों नहीं चल रही है, कोयल तो ठीक है, कैपेसिटर तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से भी पंखा नहीं चलेगा। अगर वो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ, वो भी जाके वीडियो देख लीजिएगा क्यों नहीं चलता है। अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कोयल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ओम में सेलेक्ट करना होगा, रेजिस्टेंस मोड में। तो देखिए यहाँ पे 250 ओम, इसमें भी 250 ओम बताना चाहिए। कॉमन आपका रेड है, कॉमन रेड है, हर पंखा में रेडी होता है। अब देखिए कैपेसिटर वाले दो पॉइंट वायर में चेक करेंगे तो यहाँ पर 500 के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये हमारा 500 के आसपास रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, और हमारा रेड कॉमन है। अगर कॉमन में गलती होगा तो आपका गलत गलत वैल्यू बताएगा, जिस दो वायर में वैल्यू बताएगा 500 के आसपास, वो आपका कैपेसिटर वायर होगा, और बाकी जो एक वायर बच जाएगा वो आपका कॉमन वायर होगा, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि कॉमन वायर में आपका 250 नहीं बताएगा, मतलब 250 बताएगा, मतलब 500 नहीं बताएगा। तो अब अपना देख लीजिए। अब चलिए मैं यहाँ पे कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तो NF में सेलेक्ट करके अपना कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 2.5 माइक्रोफैरड बता रही है, जो कि कैपेसिटर हमारा ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो चलिए मैं पंखा को यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। अभी मेरा यहाँ पे पंखा चलने लगा, तो यहाँ पे कुछ वायर का प्रॉब्लम है, तो उस वायर को भी चेक करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा जो ये चल रहा फैन बहुत अच्छे तरीके से, अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे
वायर को चेक करेंगे, तो चलिए वायर को चेक करने का हमारा जो है सबसे सस्ता सुविधा उपाय और शॉर्टकट उपाय, दोनों वायर को शॉर्ट कर देंगे और ये जो टू पिन को है वो सीरीज टेस्ट लैंप में लगाएंगे। अगर सीरीज टेस्ट लैंप आपका जल जाता है फ्रेंड, तो आप समझेंगे कि हमारा जो वायर है सही है, हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप है अभी हमारा जल नहीं रहा, ये हमारा बल्ब है सीरीज टेस्ट लैंप, आप भी इस तरह का बना लीजिएगा तभी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे टू पिन को ओपन करेंगे, देखेंगे टू पिन से कोई तो प्रॉब्लम नहीं है या वायर के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी काल टू पिन के वजह से भी आपका पंखा में पावर नहीं जा सकता और आपका पंखा नहीं चल सकता है, तो आप टू पिन ज़रूर चेक करें अपना पंखा का, टू पिन से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और आप दुकान ले जाते हैं और आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है, तो दुकान वाले अपना जो है 500 जो भी चार्ज होंगे वो आपका कर लेंगे, तो आप अपने घर में ही टू पिन को चेक करें। अब मैं यहाँ पर वायर को चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था टू पिन में, पूरी वायर को चेक करने के बाद एक जॉइंट मिला, इस जॉइंट में देखे थे प्रॉब्लम मिल गया, तो यहाँ से इस वायर को काट के बात करेंगे और डायरेक्टली जोड़ेंगे। तो चलिए इस वायर को काट के चेक करेंगे आगे कुछ तो और प्रॉब्लम तो नहीं है वायर में, तो इस वायर को यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे और आपको एक बार और चेक करके दिखाएंगे ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो चलिए मैं वायर को यहाँ पर लगा लेते हैं सीरीज लैंप में, टू पिन को लगाने के बाद आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा जो है सीरीज टेस्ट लैंप जल चुका है, ये हमारा वायर आगे तरफ से भी सही है फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे सारे कनेक्शन को जोड़ेंगे, तो कनेक्शन तो खोल दिए, आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमेशा पंखे के तीन वायर होती है, एक रेड और दो अलग कलर का, रेड हमेशा कॉमन होता है, रेड में अगर लगाएंगे और एक दूसरा पॉइंट में लगाएंगे तो 250 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बताएगा, हर किसी दो वायर में बता रहा है रेजिस्टेंस 500 के आसपास, तो बाकी जो एक वायर बच जाएगा वो आपका कॉमन है। सिंपल सा समझिए एक बार और, दो वायर में चेक करेंगे मल्टीमीटर से, रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा बताना चाहिए 500 के आसपास, बाकी जो एक वायर बच गया उस वायर को कॉमन मानेंगे, बाकी जो वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा बता रहा था वो दोनों में कैपेसिटर लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, और एक पॉइंट में कैपेसिटर का लगेगा और एक कॉमन में लगेगा पावर का। अगर उल्टा चल रहा पंखा तो कैपेसिटर वाली पॉइंट को चेंज करेंगे, तो चलिए मैंने यहाँ पे चेंज उंज करके मैंने यहाँ पे लगा लिया और ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टेपिंग कर लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं, सिंपल सा आप समझ गए होंगे। और चलिए अब इसको लगा के आपको पंखे के इंस्टॉल करके और आपको सही तरीके से चला के दिखाते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने का कोशिश करूंगा फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में समझ नहीं आया तो मैं आपको कुछ मदद नहीं करूं। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। ये हमारा पंखा सॉल्व हो चुका है।